हेलो फ्रेंड्स, घर का खाना में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है तिल के लड्डू। जी हाँ, सफ़ेद तिल के लड्डू जो कि सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्माहट देती है। तिल के लड्डू के बहुत फायदे हैं। कई बीमारियों में तिल बहुत फायदेमंद है। तिल में कई प्रकार के प्रोटीन, कैल्शियम, कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट आदि तक पाए जाते हैं। तिल कई बीमारियों में लाभकारी, दवा से भी बहुत लाभकारी है। तिल जो है ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। तिल में एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं, बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तिल जो है मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। तो हमें तिल का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको तिल का लड्डू बना के दिखाती हूँ। ये लड्डू का आपको रोज सेवन करना है। इसका सेवन कोई भी कर सकता है, न्यू मॉम भी इसका सेवन कर सकती है, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो आइए इसे बनाते कैसे हैं और इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो हम देख लेते हैं। गरम हो गया है, अब इसमें हम अपने ये जो खोया है ये डाल देते हैं। और इसको बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, मैं थोड़ा सा ही हम भूजेंगे, लगभग एक से डेढ़ मिनट। ये देखिए, ये जो हमारा खोया है अच्छी तरीके से ये थोड़ा पिघल रहा है, देखिए। और बहुत ज्यादा नहीं इसको करना है, सब एक से डेढ़ मिनट तक, क्योंकि धीमी आंच पे करेंगे, ये नीचे से लगे नहीं, इसलिए इसको कंटिन्यू हमें चलाते रहना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये डेढ़ मिनट हो गया है और मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसको हम इसी तरीके से थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अब मैं इसी पे दूसरा बर्तन लूंगी और इस पे हम तिल को हल्का सा फ्राई करेंगे। पहले मैं गैस ऑन करूंगी। ये हमने गैस ऑन किया है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ये जो हमारा पैन है ये अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब इसका भी जो फ्लेम है बिल्कुल हम सिम कर देंगे, कम कर देंगे। और इसमें ये तिल डाल दूंगी मैं सारा। इसको हम हल्का सा गुलाबी होने तक भूनेंगे, हल्का सा गुलाबी। याद रखिए जो आपका आंच है बिल्कुल कम रहना चाहिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो मिनट हो चुके हैं लगभग, और ये जो हमारा तिल है वो हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब जो फ्लेम है मैं बंद कर देती हूँ। और जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, मैं एक बड़ा बर्तन लेती हूँ। अभी सबसे पहले मैंने की बड़ी परात ली है, या आप और भी कोई बड़ा बर्तन आपके पास ले सकते हैं। अब इसमें मैं ये जो हमारा खोया है जिसे हमने अभी भूजा था, इसमें मैं डालूंगी सारा खोया, हम इसमें डाल देंगे। अब ये हमने परात में खोया डाल लिया है। अब इसमें मैं ये तिल ऐड करूंगी। इसमें हमने तिल डाल दिया है। इसी तरीके से ये जो हमारा नारियल और हरी इलायची है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब है ये भूरे की बारी, अब इसमें हम ये भूरा ऐड कर देंगे। मीठा कम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और जो आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं तो इसकी मात्रा कम रखें। अब इसमें हमने ये भूरा भी मिला लिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से हाथ से मिला लेंगे। और जब लड्डू हम बनाएं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो हमारे तिल है और जो खोया है ये गर्म होना चाहिए, तभी लड्डू बनेगा। अभी हमने सारा जो हमारा मिश्रण है लगभग तैयार कर लिया है। अभी फ्रेंड्स, ये जो हमारा देसी घी है ये मैं थोड़ा सा पहले जिस भी बर्तन में हम इन लड्डू को रखेंगे उसमें मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ, ताकि जो हमारे लड्डू हैं वो चिपके नहीं। ये देखिए, ये हम चारों तरफ अच्छी तरीके से इसमें घी लगा देंगे। लगा दिया है मैंने। अब मैं दोनों हाथों पे थोड़ा सा घी लगाऊंगी। मैंने घी को भी थोड़ा गर्म कर लिया है, क्योंकि सर्दियों में घी जम जाता है। लड्डू के जैसे भी साइज बनाने हैं, छोटे या बड़े, आप अपने अकॉर्डिंग से बना लें, अपने हिसाब से जैसे भी आपको पसंद है, छोटे या बड़े। और इस तरीके से लड्डू बनाते जाएंगे हम। अभी फ्रेंड्स देखिए, हमने ये सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और देखा आपने कि कितनी आसानी से बन गया। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो ये फ्रेंड्स हमारे लड्डू तैयार हैं बिल्कुल खाने के लिए। और आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकती हैं जो आपको पसंद हो।
और इसे आप बनाने के बाद 10 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होती है। जब आपको खाना हो तो आप फ्रिज से निकाल के आधे घंटे पहले इसको बाहर निकाल लीजिए और फिर इसे आप खा सकते हैं। और इसकी रेसिपी आपने देखी, बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, जो आज के हमारे ये लड्डू हैं तिल के, आपको कैसे लगे आप मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को हर बार की तरह सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के साथ लेकिन नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई